हाय, मैं राजीव रंजन कुमार आपके अपने ही YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊंगा। एक ब्रोकर थे, उन्होंने एक कस्टमर का नंबर दिया कि इनको होम लोन की आवश्यकता है। अगर ठीक है जी, कस्टमर के पास मैंने फ़ोन किया कि आपका नंबर मुझे फला ब्रोकर से मिला है, आपको होम लोन की रिक्वायरमेंट है, तो आप अपने पेपर अरेंज करा दीजिए। उन्होंने क्या किया, पहले उठा के प्रॉपर्टी के पेपर मुझे भेज दिए, स्कैंड कॉपी, ये लो आप देखो लोन कर सकते हो या नहीं कर सकते। हमने कहा ठीक है जी। मैंने चेक किया टेक्निकल वगैरह, उससे पूछ लिया कि भाई इस प्रॉपर्टी पे हम लोन कर सकते हो, उन्होंने जवाब दे दिया हाँ कर सकते हैं। जब प्रॉपर्टी के पेपर रिसीव हो गए तो उन्होंने 15 दिन बाद मुझे अपना KYC डॉक्यूमेंट्स दिया, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ और पासपोर्ट साइज फोटो और बाकी चीज़ें। फिर 7-8 दिन बाद मुझे उन्होंने अपना इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट्स दिया, सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट और फॉर्म 16। फिर सब कुछ हो गया, मैंने कहा जी एक काम करते हैं, अब एप्लीकेशन फॉर्म साइन करवाना है, आप टाइम दे दीजिए। तो करते करते उन्होंने बोला ठीक है जी, आज आ जाओ, अभी रुक जाओ, थोड़ा मैं बिजी हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ। ऐसे करते करते 1.5 महीने बीत गए, तो 45वें 46वें दिन उनका फ़ोन आया कि हमारे लोन का क्या रहा। अरे लोन का क्या रहा, अभी तो सिस्टम में लॉगिन ही नहीं हुई है, तो होम लोन कहाँ से अप्रूव होगा। कह रहा फिर मैंने तो डॉक्यूमेंट आपको आज से 1.5 महीने पहले दे दिए थे। मैं डॉक्यूमेंट दिए तो थे, लेकिन वो क्या है कि अभी सिस्टम में लॉगिन नहीं हुआ है। वो सिस्टम में लॉगिन तब होगा ना जब आप हमको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दोगे, एप्लीकेशन फॉर्म पे साइन करोगे, फिर वो सिस्टम में लॉगिन होगा, फिर लॉगिन होने के बाद में वेरिफिकेशन होगी, वेरिफिकेशन होने के बाद में लोन अप्रूव होगा। तो उन्होंने कहा यार ऐसा थोड़े होता है। कहा जी ऐसा ही होता है, प्रोसेस तो ऐसा ही है। फिर उन्होंने थोड़ा सा कह सुन के फ़ोन काट दिया। तीसरे दिन उनका फ़ोन आया कि आ जाओ ठीक है, अप्लीकेशन फॉर्म साइन करा लो। मैं गया, अप्लीकेशन फॉर्म साइन वगैरह करा के जो एक आध सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे वो सब लेके मैंने सिस्टम में लॉगिन कर दिया। लॉगिन होने के बाद में जब क्रेडिट रिव्यू में गया तो कुछ डेविएशन लेने थे और कुछ इंटरनल अप्रूवल्स भी लेने पड़ते हैं, तो इसमें टाइम लगता है, क्योंकि ये बड़े बड़े मैनेजर से अप्रूवल लेने होते हैं, जोनल हेड से, नेशनल हेड से अप्रूवल लेने होते हैं, तो उसमें टाइम लगता है, क्योंकि वो भी बिजी होते हैं, वो भी चीज़ों को समझते हैं, पढ़ते हैं, फिर रिव्यू करते हैं, फिर उसके बाद में वो भी किसी से राय लेते हैं, फिर वो अप्रूवल के लिए ओके करते हैं। तो इतने में वो रोज़ फ़ोन करते थे, सुबह शाम सवेरे शाम, हाँ जी मेरा लोन का क्या रहा। फिर शाम को फ़ोन करते थे, क्या स्टेटस रहा, मतलब दुखी कर दिया था उन्होंने। हमने कहा जी प्रोसेस में है, प्रोसेस में है। इस बात को करते करते अब दूसरा महीना ख़त्म होने वाला था। कह रहे इतना टाइम थोड़े लगता है, तुमने तो ये कर दिया वो कर दिया, 2 दिन में लोन सैंक्शन हो जाता है, ये हो जाता है वो हो जाता है। हालांकि कुछ दिनों बाद उनका लोन सैंक्शन हो गया, यानी अप्रूव हो गया। हमने उनको मैसेज किया कि आप आ जाइए और कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, आप वो अरेंज कराइए और डिसबर्समेंट ले लीजिए। तो आगे की जो फॉर्मेलिटी थी वो तो करा दिया। तो ओवरऑल हमारे लिए वो केस सैंक्शन हुआ 45वें या 46वें दिन के आसपास, केस लॉगिन हुआ सिस्टम में 45वें दिन के आसपास, और डिसबर्सल तक पहुंचते पहुंचते 14, मतलब ये लगा लीजिए 45वें दिन लॉगिन हुआ, मतलब उनसे मेरी बातचीत बहुत पहले से चल रही थी, वो तब से काउंट कर रहे थे जब उन्होंने मेरे को प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स दिए थे, यानी 1.5 महीने पहले, 45 दिन पहले उन्होंने दिया था, और तब से वो काउंट कर रहे थे कि इतने दिन हो गए। लेकिन हमारे लिए क्या है, वो डे फर्स्ट उस दिन हुआ जब उनके अप्लीकेशन फॉर्म साइन होके सिस्टम में लॉगिन हुआ, वो मेरे लिए डे फर्स्ट हुआ। तो मेरे लिए डे फर्स्ट से यानी फाइल लॉगिन होने से लेके डिसबर्सल तक में 15 से 16 दिन लगे थे, लेकिन कस्टमर के एंड से इस चीज़ को 45 से 60 दिन का हिसाब किताब वो जोड़ रहे थे। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सभी से
जो भाई बंधु या जो लोग लोन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, बिजनेस लोन के लिए, पर्सनल लोन के लिए या फिर होम लोन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमेशा अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वन शॉट में इकट्ठा कीजिए और वन गो में आगे आप अपने बैंकर को या फाइनेंसर को पेपर दिया कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका टाइम भी बचेगा, बैंकर का भी टाइम बचेगा, काम फास्ट एंड प्रोसेस में होगा। आपकी जो गिनती है ना कि मैंने इस दिन पेपर दिए थे, पहला पेपर, वो गिनती जो है आपके हिसाब से ठीक है, लेकिन बैंकर के हिसाब से वो गिनती में नहीं है। बैंकर के हिसाब से जिस दिन फाइल लॉगिन होती है सिस्टम में, उस दिन को डे फर्स्ट मानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कहीं पे भी, चाहे आप कोई फाइनेंस के अलावा भी कोई काम के लिए आप पेपर देने जा रहे हैं, तो हमेशा पेपर वन शॉट में इकट्ठा कीजिए और वन शॉट और वन गो में ही पेपर आगे दिया कीजिए, ताकि आपका भी काम आसान हो, टाइम बचे, सामने वाले का भी काम आसान हो जाए और उनका भी टाइम बचे, है ना। चलिए मिलते हैं सर नेक्स्ट टॉपिक में, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।